3x इंडिया चैंपियन सीओबी राज तो मैं पैनिक हो गया रेडी गाइस रेडी तो बॉयज ये लर्न है इसका काम टीम में एम हगना है सब जगह और दिस इज वेगास और ये बहुत चिल रहता है और ये अपना ग्रेम और ये बहुत ज्यादा ही खाता है ये अपना ट्रंक्स और ये बहुत आलसी ये अपने न्यूट्रिनो ये बहुत आपको लगता है मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ तो अभी लाइक मतलब सारे स्पोर्ट्स प्लेयर का एक सपना रहता है मतलब गोल रहता है जब वो टूर्नामेंट खेलता है नेशनल मतलब नेशन को रिप्रेजेंट करता है तो आप लोगों ने भी कुछ गोल्स रखे रहेंगे तो वो गोल्स क्या क्या रहते हैं हमारा लाइक टीम का सबसे पहला जो गोल है वो है कि इंडिया के लिए WC की ट्रॉफी लानी है वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी लानी है क्योंकि वो जिस दिन आ जाएगी उस दिन ई स्पोर्ट्स को अभी जो दिक्कतें आ रही है वो आई गेस फेस नहीं करनी पड़ेगी और आगे की जो जनरेशन है जो प्लेयर्स रहेंगे उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा तुम लोग दो बार मतलब अभी ऑब्वियसली तीसरी बार तुम लोग नेशनल चैंपियन बने हो तो तुम लोग पहले दो बार भी जब नेशनल चैंपियन बने थे तुम लोगों को बाहर जाने का मौका मिलने वाला था लाइक लैंड होने वाला था लेकिन हुआ नहीं तो लाइक तुम्हारी फीलिंग्स कैसी थी तुम लोगों को कैसा लगा था वो चीज़ तो सबसे पहली बारी जब कैंसिल हुआ था मेरे को अभी भी याद है रात को 4:30 बजे थे और वेगस आता है और सबको उठाता है बूट कैंप में कि ब्रो एक मेल आया है और लैंड कैंसिल हो गया है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ तो मेरे को रोना आ गया कि फर्स्ट टाइम ऐसा था और हम लोग बहुत प्रिपेयर थे लाइक अभी मैंने जैसे बोला ना कि 50-60% हम रेडी थे उस टाइम पे हम 95% रेडी थे लाइक बहुत तगड़ा मेहनत किए थे सेकंड टाइम तो मैंने कुछ भी देखा था हाँ और सेकंड टाइम में भी कोविड की वजह से लैंड नहीं हो पाया तो इस बार ही होप सो हो जाए और हो जाए तो हम प्रिपेयर रहे तुम लोगों के कैसे रिएक्शन थे वो टाइम में जब तुम लोगों को लाइक मैं भी इसको जाते रह चुका मतलब वो भी है हमको लगा तो होने वाला है मतलब जब वो मेल आया था ना हमको लगा तो होने वाला है वो लेकिन फिर पता लगा कि कैंसिल हुआ तब तो वी वर लाइक वो तो मिक्स्ड इमोशंस था तब सो वी नो व्हाट टू डू उस टाइम तो मैं घर पे था घर पे ये रात को मैं सोया था सुबह उठ के देखा ये हुआ है स्टार्टिंग में घर वाले को बताया घर वाले प्रिपेयर थे कि नहीं मतलब वो सब वैसे पता लगा फिर घर वालों को बताया घर वाले बोलते कि जा रहा है घर पे बताया घर पे गया पासपोर्ट बनवा रहा था मैं उधर अभी सबके पास पासपोर्ट है दो साल से पड़ा हुआ वेट कर रहे कब ये तो फाइल लेके आया था फाइल लेके आया है चलो ठीक है अभी लाइक फाइनली तुम लोग मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करके तीसरी बार तुम लोग अभी लैंड पे जा रहे हो एंड होपफुली इस बार लैंड पक्का हुआ तो तुम लोगों ने ये चीज़ पायलट्स को तुम्हारे सबसे शेयर की तुम लोगों ने तो तुम लोग उन लोगों का रिएक्शन कैसा था इस चीज़ को No, actually, when you were playing stage 4, there were a lot of people in my house. My cousins, my aunties, everybody was there. So they were all watching it live. So as soon as it ended, I didn't call them, they called me. They were like, everybody was screaming in the background on the phone. They were like, congratulations. So I think they were a lot happy. अभी दो बार कैंसिल हुआ है तो मैंने अभी घर पे मैंने बोला ही नहीं कि हम लोग जा रहे पे पे ताकि फिर से हम लोग डिसअपॉइंट ना हो इसलिए अभी बोला नहीं है जब जाएंगे तब देखते हैं नहीं सर मैंने भी कुछ बोला नहीं ऐसा कि लाइक पता नहीं कब होगा कैसे होगा कुछ नहीं बस क्योंकि पहले बहुत होप रखी थी ना तो होप अच्छी नहीं गई तो अभी होप कम रखी है तो होप फुली हो जाए एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं ना नहीं ज़्यादा अच्छा ये अभी जो तुम्हारा एक स्टेज फोर हुआ है उसमें तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट तुम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी हमने स्टेज पर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस किया फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट भी था और ऊपर से मतलब लाइक ऑन द स्पॉट मैटा चेंज हुआ लाइक 6 दिन के लिए मैटा चेंज हुआ और उसके बीच में स्टेज 4 था तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मैटा हुई उसके बाद हमने लाइक जिसको खेलना था बंस वो बीमार हो चुका था तो फिर और भी मतलब टीम को इश्यूज हुए इंटरनेट की वजह से हम लोग बैंगलोर ट्रैवल किए थे लाइक विकास के घर पर खेलने के लिए तो ट्रैवलिंग एंड ऑल में ना थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ऐसा मेंटली स्टेबिलिटी थोड़ी हिल जाती है और हमारी गेम में ना थोड़ा सा भी फोकस ऐसा नहीं जाना चाहिए तो फिर आए तो ट्रंक्स बीमार तो प्रैक्टिस नहीं हुई फिर मैं बीमार हुआ फिर ये हुआ फिर इसको खेलना था बट अभी टाइम हो चुका था बहुत लेट हो चुका था तो हमने फिर सोचा कि ऐसे ही शुरू करते हैं अभी ऑप्शन नहीं है ना अपने पास तो हमने शुरू किया फिर तो बहुत मतलब ये मेटा में हम लोग को बहुत दिक्कत हुई हमने बहुत सारी गन फाइट्स
लाइक चोक के टू बी ऑनेस्ट हम काफी बेटर कर सकते थे लाइक हम लोग का जो टीम है ना वो स्पेशली गन फाइट के लिए जाना लाइक मेरे क्वेश्चन है ये जो मेटा तुम लोग मेटा की बात करते हैं तो जब मेटा चेंज होता है तो सबके लिए चेंज होता है राइट मतलब सबके लिए चेंज होता है आई नो कि तुम लोगों का किसी मतलब तुम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बना के रखी है तुम लोग अलग चीज के लिए प्रिपरेशन करते हो बट तुम लोग ऐसा नहीं मानते कि अगर मेटा सबके लिए चेंज हो रहा है तो हम लोग भी उस चीज में अडॉप्ट होके वो जो एक टाइम के लिए एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज सबके लिए नहीं डेफिनेटली हम लोग को भी अब्यूज करना था मेटा क्योंकि ई-स्पोर्ट्स तेरा मेटा अब्यूज ही तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मेटा था वो मतलब एक हम लोग इतना अब्यूज नहीं कर पाए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं शॉर्ट टर्म भी था और लाइक हमारी थोड़ी ना मतलब हम लोग पहले से डीमोटिवेटेड थे क्योंकि हम लोग का कैसा सीन है मैं सिंपल सी बताऊँ तो एक टीम की तरह वर्क करते ये है थोड़ा लॉन्ग रेंज स्पेशलिस्ट इसका मिड रेंज अच्छा है उसका मिड रेंज अच्छा है क्लोज जो है उसका क्लोज रेंज अच्छा है मैं थोड़े टेक्टिकल स्किल्स निकालता हूँ तो ये जो मेटा था ना एक SMG थी जिसका मतलब इनफाइनाइट रेंज बोल सकते हो और एक बर्स्ट वेपन तो लाइक अगर मैं 1 HP हूँ ना तो भी मैं उसको फुल HP को 1 burst कर सकता हूँ और 5 man जब 5 man एक ही गन चलती है ना तो रोल्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं लाइक एक्सेट्रा लाइक मेरा रोल मैं खुद ही कर सकता हूँ मेरी टीम में लेकिन वो ऐसा मैटर था कि 5 man एक ही सब लोग अपना अपना कर सकते हैं और ये जो टूर्नामेंट तुम लोग जीते ठीक है जब तुम लोग ऑब्वियसली जब जीतोगे तुम लोग एंजॉय करोगे वो दिन लेकिन दूसरे दिन जब लोग तुम उठे तो तुम लोगों को कौन सी ऐसी चीज सीखने मिली एक ही चीज बताओ जो सीखने मिली वो पूरे टूर्नामेंट सब लोग एक ही करते मेरे को जो सीखने को मिला वो था कि मैं जो मेरी मेन गन्स है उस पर ज़्यादा फोकस करूँ और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँ कोई भी मेटा आ जाए तो मैं उसको अडॉप्ट करने ना जाऊँ यही गलती मैंने Stage 4 में की और कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था और जब जब मैंने अपनी मेन गन्स निकाली थी तब मैंने बहुत अच्छा खेला था तो मेरे को उसी पर फोकस करना था और वही मैं आगे करूँगा नहीं मैं तो सिंपल बनूँगा गर्लफ्रेंड मुझे कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है इस बार क्योंकि मेटा चेंज हुआ ठीक है तो अच्छी चीज ये है कि तुम लोगों ने एक टूर्नामेंट के बाद एक चीज सीखी है कि भैया की गन पावर इंप्रूव करना क्योंकि जब मैं मलेशिया गया था मुझे याद है जब मैं उधर मतलब तो क्या हम लोग अच्छे खासा तो उसी टूर्नामेंट के बाद मैंने सोचा कि भाई कितना भी दिमाग लगा ले इंटरनेशनल पे मेरा गेम नहीं चलने वाला तो उसके बाद और उम्र भी हुई तो उसके बाद मैंने स्किप आउट कर दिया था मतलब फिटनेस का आया था तू क्या मुझे क्या सीखने मिला आई लर्न पेशेंस बिकॉज आई बीन एन SMG प्लेयर ऑल 3 years ऑफ कॉर्डन So now recently I started sniping for my team. So introducing patience to my gameplay has been the biggest thing that I had to face. So I'm still learning. मैंने तो खेला नहीं टूर्नामेंट लेकिन अपना एक ये था ऑपरेटर स्किल करके वो हमने बहुत हगाया बहुत ज़्यादा ही हगाया मतलब वो थोड़ा नो इम्प्रूव करना था टीम को रिपज आपको क्या लगता है आपने पूरा टूर्नामेंट देखा तो आपको क्या लगता है एज अ टीम इनका जो कन्वर्सेशन हुआ टूर्नामेंट के बाद आपको क्या लगे कि कौन से बंदे ने सच में गलती एक्सेप्ट की और चीज सीखा है अभी मैं बंदे की बात कर रहा हूँ अच्छा वो बताओ तो वैसे तो सबने ही मतलब ये चीज़ मान ली थी कि ये मेटा जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाए बट उसके कुछ रीजन थे जो आउट ऑफ द गेम में थे जो शायद मेरे हाथ में थे मैं और अच्छा भी कर सकता था उस चीज़ों को मे बी थोड़ी स्टेबिलिटी अपन पहले ला पाते तो उनको थोड़ा टाइम मिलता फिर थोड़े बीमार हो गए प्लेयर वो सब चलो वो तो चलता रहता है उसके अलावा अगर बात करूँ तो एक जो प्लेइंग 5 कॉम्बिनेशन है ना वो हम कभी ला ही नहीं पाए मे बी इस मेटा चेंजेस की वजह से भी ये होता है बट मेनली इंस्टेबिलिटी आती है प्लेयर्स अपन 5 कभी खेल ही नहीं पाए बट ये सब यहाँ पे एग्री करेंगे कि अगर वो हम प्लेइंग 5 नहीं बिठा पाए हमेशा 6 man रोस्टर के साथ चेंजेस करके खेलते रहे तो इंटरनेशनल में बहुत मुश्किल होगी ये चीज़ यहाँ पे संभालनी ये सभी तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए मेरे हिसाब से 2-3 महीने और बाकी हैं तो तुम लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है कि तुम लोग ये सारी चीज़ें खुलकर डिस्कस कर रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हुए और ये प्रॉब्लम्स तुम लोगों को देखो तुम लोगों ने इंडिया में 2-3 साल से कंटिन्यू तुम लोग डोमिनेट कर रहे हो और मैंने जब तुम्हारा लास्ट टूर्नामेंट देखा था तुम लोगों ने बहुत अच्छा मारा था एक थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज भी था स्टिल तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बट इस बार तुम लोग मुझे पर्सनली लगता है कि तुम लोग फाड़ दोगे
तो बस यही चाहिए। और तू क्या सीखा था मुझे वो मेरे को तू बहुत कम चीज़ें सीखता है मुझे ऐसा सुनने में नहीं मेरा था कि क्या कहते हैं मेरी जो इस मेटा में जो गनफाइट थी वो मतलब इस मेटा में वीक थी क्योंकि सबका सेम ही गनफाइट था सारे स्किल्स सबका सेम ही तो बस इसको ये सीखना चाहिए कि पहले तो एआर प्लेयर और जो आईपीएल है उसकी बात मान ले जो हम बोले वो कर ले पहले तो हर बंदा किसी ना किसी का फैन होता है तो मेरे को ये चीज पूछनी है बस तुम्हारी टीम की बात कर रहा हूँ तुम लोग तुम्हारी टीम में किसके फैन है और वो ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको उसकी बहुत अच्छी लगती है जो चीज तुमको एडवाइस करती है उसकी गेम में कि बाहर गेम में इन गेम पर्सनल लाइफ में मेरा दो है गेम में मैं लर्न से इंस्पायर हूँ उससे मैंने सीखा कि कैसे ग्राइंड करते हैं कितना ग्राइंड करते हैं और जो ग्राइंड करने की जो चाह होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए बहुत एकदम डेस्परेट होनी चाहिए कि मेरे को और खेलना है वो मैं सिखाऊँ। और गेम के बाहर की बात करें तो मैंने बंस और वेगस से थोड़ा यू नो लाइफ को एंजॉय करना सीखा है कि अरे चिल ये थोड़ा सीखा है वो भी ज़रूरी है। और गेम में जब गेम की बात आती है तो डिसिप्लिन जो होता है वो भी सीखा है तो ये दोनों चीजें जरूरी है। ये मैं ट्रंक से सीखा हूँ द गन फाइटिंग और बस Vegas learn I mean he is dedicated the most dedicated person in the team I mean no matter what's going on in his life it doesn't matter for him like his main goal is his goal to win और कोई दूसरा Rentrunks because no matter what he plays, he wants to be the best at it. He grinds. He'll watch YouTube videos. No matter what game it is, he'll watch YouTube videos. Yeah, मैं उसको सब DJ में खेला हूँ भाई। वो बंदा जब हम लोग पुणे के बूटकैंप में थे, मुझे अभी भी याद है, तुम लोग सब लोग घूमते गए थे। ये बंदा ऐसे कोच है, पता है तुझे फील्ड पे। मैं मेरे फील्ड पे जाके बंदों को बोल रहा हूँ कि नहीं देखो, मैं अब ऐसे में कोच हूँ। ये बंदा मेरे साथ एक दिन खेला, ये बंदा आगे चला जा रहा, दूसरे से पूछा जाता है भाई खेलना है, बोले तू आगे चला जा रहा, मैं नहीं खेलेगा। मुझे ये लर्न और न्यूट्रिनो बिकॉज दे बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग और गेम में तो ऑब्वियसली ट्रंक्स की ये तो बहुत बड़ा ट्रायड है भाई। मेनली तो मेरे को लर्न और न्यूट्रिनो से ये सीखना मिला क्योंकि दोनों बुज्जू हैं तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। तो ये चीज़ सीखने को मिली कि खाना जब खाते हैं तो उसमें देखो मत कितना भर के खाओ। खाने में जितना खर्चा कर सको खाने में पैसा मत दे। हम लोग का तो ये सारे लोग मेरे से सीखे हैं। पूछो क्या क्या सुना वो सारे लोग मतलब e-sports को फॉलो करते हैं मतलब लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को भी तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं मतलब पर्सनली सबके देखे जाए तो वो सारे फैंस के लिए और जो अभी e-sports में आना चाहते हैं चाहे कोई भी गेम हो तो तुम लोगों का उन सारे फैंस के लिए क्या मैसेज रहेगा? फैंस के लिए तो मैं बोलूंगा कि जितना सपोर्ट आपने दिखाया उससे ज़्यादा भी दिखाओ और हम लोग जितना ग्राइंड करते हैं उससे ज़्यादा करेंगे कि तुमको ऐसे कभी बोलने का टाइम ना आए कि यार अच्छा नहीं खेला ऐसा। तो हम दिन रात मेहनत करेंगे सपोर्ट करते रहो और जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं एक पॉइंट मेन बोलूँगा कि डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस। जितना तुम डेडिकेशन दिखाओगे और जितना तुम रियल लाइफ अपनी सेक्रीफाइस करोगे स्पोर्ट्स के लिए उतना तुम इसमें अर्न करोगे। मेरा तो बस यही है प्ले ईट स्लीप। लाइक तुम लोग तीन साल से अभी मतलब डोमिनेट कर रहे हो इस सीन को, दो तीन साल से डोमिनेट कर रहे हो, 3x चैंपियन बन चुके हो तो ये सारे प्रोसीजर में बहुत सारे हार्डशिप्स भी आ रहेंगे मतलब बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हो रहेंगे तो ये सारी चीज़ को तुम लोगों ने कैसे ओवरकम किया? लाइक मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई टूर्नामेंट तुम लोग हारे या फिर किस वजह से हारे, कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर टीम में कुछ इश्यूज हुए तो वो हार्डशिप्स के बारे में मतलब अपनी ऑडियंस भी जानना चाहती है। मेरा सबसे जो टफेस्ट मोमेंट था वो पिछले साल जब मैंने अपने फादर को खोया और 30 days भी नहीं हुए थे और मेरे को बूट कैंप आना पड़ा था, तब टूर्नामेंट चल रहा था एक, तो वहाँ पे मेरे टीम को ज़रूरत थी, मैंने खुद देखा था तो बहुत सारी वो दिक्कत थी कि वहाँ पे बिजनेस पापा का भी था, ये सब बंद करना प्रोसेस सब रहती है, मम्मी को भी ज़रूरत थी, सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़ के इधर आके ऑब्वियसली सपोर्ट था लेकिन परफॉर्म करना, वो माइंड को डाइवर्ट करके परफॉर्म करना और ये सब करना, वो सब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था।
ये जो स्टेज फोर तुम्हारा हुआ अभी रिसेंटली, तो ये 2 दिन का टूर्नामेंट था, तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया इसमें भी तुम लोगों के बहुत सारे हार्डशिप्स भी आए टूर्नामेंट में, मतलब तुम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट कमबैक किया तुम्हारी लाइफ का, तो ये टूर्नामेंट के बारे में मुझे जानना है और अपने ऑडियंस को भी जानना है कि ये टूर्नामेंट तुम्हारे लिए कैसा रहा पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का 2 मैच था, तो पहला मैच तुम काफी इजीली 3-0 जीत गए थे, बट दूसरा मैच था रेमिनेंट ईस्पोर्ट्स के सामने, तो तब हम लोग फर्स्ट मैच हार गए क्योंकि रिस्पॉन्स था, और लाइक जैसे कि मैंने बोला वर्ड लाइक थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स नहीं हार सकते, गन फाइट हम लोग का ना था डरते से। ठीक, तो पहला मैच हार के तो सब लोग काफी लाइक शॉक थे क्योंकि मेटा भी हम लोग को आता नहीं था, तो थोड़ा डाउन फील कर रहे थे। फिर SND कंट्रोल हमने जीता, फिर फोर्थ मैच भी हमारा एक और रिस्पॉन्स, तो सब लोग लाइक अंदर से सा टूट चुके थे, हमें पता था कि हम फिफ्थ मैच जीतने वाले, बट वो जो होता ना ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भाई ये कैसा आ रहा है, वो चीज़ मिस हो गई। तो जैसे इसने बताया कि फर्स्ट डे पे हम रेवेनेंट से हार गए थे और HP हारने का हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट, गन फाइट्स हम बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो जो मैच हारे उसके बाद डिमोटिवेट हो गए थे सारे बंदे, प्लस कहीं ना कहीं रीजंस ये भी थे कि ये लोग बीमार भी थे, उनको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था, हमने तकरीबन पूरा स्टेज फोर की जो तैयारी थी वो 4 दिन में करी थी, मेरे को याद है प्रॉपर 4 दिन में हमने पूरा स्टेज फोर क्लियर किया था, और आधे जो मैप्स थे वो छोड़ दिए थे। बंस की सबसे ज़्यादा कमी महसूस की हुई क्योंकि वही हमारा प्लेइंग 5 में था, ब्रोस का ये मैटा नहीं था, ब्रोस का क्लोज रेंज जो मैटा था वो मैटा ही नहीं था रस करके, तो वो मैटा नहीं था, तो उसने भी बोला था कि ये मेरे से नहीं होगा, तो हमें भी पता था कि उससे नहीं हो पाएगा, तो बंस ही था हमारा 5th प्लेयर, लेकिन वो बीमार पड़ा और ऐसे टाइम पे बीमार पड़ा कि फिर 4-5 दिन बाकी थे, तो मैंने ब्रोस को और हमने एक टीम मीटिंग बिठाई और बोला कि भाई देख लेंगे एक्सपीरियंस से जीत जाएंगे ब्रोस, मैं बोला ब्रोस पता है मेरे को तो अपना 100% नहीं देगा, लेकिन तो अगर 60% भी देगा ना तो जीत ही जाएंगे भाई, तू टेंशन मत ले, कर लेते रिस्क ले लेते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, पहला फिर से हमारा रेवेनेंट से ही था और फिर से हम लोग रिस्पॉन हारे, सेम टीम से फिर से हम रिस्पॉन हारे, लेकिन फिर से हम SND और ये कंट्रोल जो था वो हमने प्रैक्टिस किया था थोड़ा बहुत, और जो एक्सपीरियंस होता है उससे हम लोग सिनर्जी बिक गई थी तो वो जीत रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स गन फाइट नहीं जीत पा रहे थे, तो फिर से आ रहे हैं, मैं बोला कोई बात नहीं अपने पास एक्सपीरियंस है अपन और अच्छा करेंगे, तो वैसे ही वाइटालिटी से हमारा विनर ब्रैकेट था 1st-2nd का, तो उसमें भी हमें रिस्पॉन्स में बहुत मारा और हम SND और कंट्रोल में ही जीते फिर से, और वो जो कंट्रोल था उसमें भी हमने कमबैक दिया था उनको, उसमें भी हम गन फाइट और एक छोटी सी मिस्टेक थी जो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, और हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइक कमबैक क्रिमिनल्स बोलते हैं हमको, लूजर ब्रैकेट में से आके फिर फाइनल्स में जीत के कैसे जाना है वो हम लोग को आता है, हम लोग इतना पैनिक नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में और बहुत सारे कमबैक्स किए। हाँ, डे वन जीते हम लोग जीते उसके बाद हम क्वालिफाई कर दिए, लाइक जो हम लोग जीते सेकेंड और थर्ड का जो मैच था वो उसमें हम जीत गए, तो हम ग्रैंड फाइनल्स में आ गए, ग्रैंड फाइनल्स में जो 2 टीम थी वो स्टेज 5 के लिए जाने वाली थी। अभी टाइम है, अब रिस्क उठा सकते हैं जो भी अपने को करना है, जो हम वीटो सिस्टम होता है एक, तो मैंने लर्न को बोला कि इसमें अपन गैम्बल कर सकते हैं कुछ भी करो, तो इसमें एक ऑपरेटर वैन का हमने एक गैम्बल किया था, वो वर्क भी किया, तो हमने ये चीज़ किया फिर, और एक प्रेशर था कि क्वालिफाई नहीं किए तो, लेकिन वो हट गया फिर, और अभी लास्ट स्टेज पे थे हम लोग आने वाले थे कि अब तोड़ना है, तो हम लोग हमारा चल रहा था, एक मोटिवेशन ये भी था कि साला सेकंड आए तो हाफ प्राइस फुल है फर्स्ट आना ही है। हमारे ये टीम डिस्कशन में हुआ था कि सालो सेकंड आया ना तो $15,000 ही है, फर्स्ट को 30,000 है, तो देख लो तुम्हें कुछ भी करो जीतना है भाई। स्टार्ट हुआ ग्रैंड फाइनल्स, सबसे पहला मैप था HP हासिंडा, वो हार गए हम, वो हारने के बाद भी लाइक उन पे एक मैप एडवांटेज था, लाइक बेस्ट ऑफ 7 में वो ऑलरेडी 1-0 जा रहे थे, वो एडवांटेज था क्योंकि वो विनर ब्रैकेट से आए थे, तो हमको 6 ही मैप्स खेलने थे लेकिन वो उनके पास ऑलरेडी एक मैप विन था, तो जैसे ही वो एक जीते तो 2-0 हो गया। उसके बाद SND हम जीते,
और ऐसे कमबैक करते करते कंट्रोल आया तो 1-3 हो गया था. वी टुक अ लिटिल ब्रेक इन द मिडिल एंड देन वी वर लाइक जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ बेस्ट ऑफ 5. द बेस्ट ऑफ 5 इज वेयर यू हैव टू विन 3 मैचेस. सो वी वर लाइक थिंक द मैच इज जस्ट स्टार्टिंग, वी हैवंट प्लेड एनी मैचेस बिफोर, वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू प्ले नाउ एंड इट्स अ बेस्ट ऑफ 5. सो इट्स अ रीसेट, वी जस्ट हैव टू विन 3 मैच एंड वी वन. सो दैट्स व्हाट वी हैड अ डिस्कशन अबाउट. We were like, it's okay, we're just starting out, we'll win 3 maps and we'll win the whole thing. तुमको उनके 3 बंदे मारने, अपने उनको 4 बंदे मारने. वो टाइम पे भाई मैं सोच रहा था 3-3 का स्कोर है, जो यहाँ तक आ गया. मतलब लाइक जो होता ना आईपीएल में 2 बॉल पे 4 चाहिए. हाय भाई भाई वो खतरनाक भाई फट गई थी मालूम है क्या सबकी. ये स्टेज 4 जो है ना वो 3 साल में पहली बार ऐसा, मतलब क्योंकि हमने पहले जो 2 बारी था वो वन साइडेड मारे थे. ए बट हमने कम्युनिटी के वो लास्ट 2 फ्रैग्स किसने मारे? वेगास 3. अच्छी 3 तीनों Lost two frags. And then I don't know how I killed him, it just happened. And then I threw my phone and started jumping and everyone. One three ho gaye the. Abhi 2 saal se haters ko log ko mauka nahi mila tha re yaar. Aur bahut saare ne comp bhi chhod diya tha ki bhai inse nahi jeet payenge. To wo bahut uchal rahe the ki kya ho gaya beta, where is comeback criminals, the new kings are here. Waisa जब इतना सारा मतलब ये पूरा धमाका हुआ उसके बाद तुम लोग जब जाके जीते, इतना बड़ा कमबैक किया तुम लोगों ने, तो तुम लोगों का मतलब क्या फीलिंग था? तुम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया सारी चीजों को, ये मोमेंट को कैसे सेलिब्रेट किया? तो जो गेम था जैसे हमने बात किया था कि एकदम क्लोज था, तो जैसे ही इसने 3 किले और राउंड खत्म हुआ तो इन लोग को जल्दी पता चल गया कि जीत गए. तो ब्रोज सारे चिल्लाने लगे, फोन अपना पटका और जो कूदने, और ब्रोज ने टी शर्ट निकाल के ऐसे ऐसे करने लगा. और मैं कंफर्म कर रहा था कि जीत गए ना पहले, फिर आए विक्ट्री, फिर मैं भी कूदा कि हाँ भाई जीत गए. तो ये सब चिल्ला रहे, ये तो कोने में जाके वेगास ना कोने में जाके चिल्ला रहा है, अकेले कोने में अपने कोने में जाके चिल्ला रहा है. थोड़ा इमोशनली भी जान कर लिया, मैं तो पूरा सेपरेट टीम से इमोशनल भी हो गए थे. मैं ज्यादातर इमोशनल हो गया तो बाकी ये लोग तो पूरा मौज में थे. तो ये चीज थी गाइस. तो कमेंट में जाके बताओ कि लन को गायरो ऑन करना चाहिए कि नहीं, और जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सो जाओ.